नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा है क्योंकि सब आसान है। देखिए इन फिगर, फिगर में LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमने प्रूव करना है, बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, वी आर गिवन, क्या दिया हुआ है, LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। इन ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल टू CB है। दिस इंप्लाइज क्या बनेगा हमारा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। किससे, BPT से, BPT बाय BPT। BPT में ये होता है कि पैरेलल हो तो दोनों साइड्स को क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ACD अगेन LN इज पैरेलल टू CD, तो क्या बनेगा, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC अगेन बाय BPT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। राइट हैंड साइड दोनों में क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, बट हमें तो AM अपॉन AB चाहिए था, AB चाहिए, तो कुछ और करते हैं, सोचते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। देखिए AM मुझे चाहिए, सो AM AB कब बनेगा, जब AM प्लस MB जोड़ें तो हमारे पास क्या बन जाता है, AB बन जाता है, और AD कब बनेगा, जब AN प्लस ND। अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर लेते हैं दोनों। अगर ये इक्वल है भाई, अगर 2/3 इज इक्वल टू 2/3 है तो उल्टा भी तो इक्वल ही होगा, 3/2 इक्वल टू 3/2। दिस इंप्लाइज MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, क्या कर दिया मैंने, MB अपॉन AM प्लस 1 दैट इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। ठीक है, क्या बनेगा, LCM लीजिए, AM हो गया, MB प्लस AM और AN ND प्लस AN। नाउ व्हाट इज MB प्लस AM, MB प्लस AM की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, दिस इज AB अपॉन AM और यहाँ से ND प्लस AN, दिस इज AD, AD अपॉन AN। अब फिर अगर हम उनको रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब देखिए मैंने यहाँ पे रिवर्स करके 1 क्यों ऐड किया है, अगर मैं यहीं पे 1 ऐड करता तो मेरे पास क्या होता, AM अपॉन MB प्लस 1 होता, डिवाइडेड बाई LCM, हम MB लेते हैं तो AM प्लस MB, AM प्लस MB तो हमारे पास क्या बन गया, AB एंड दैट इज डिवाइडेड बाई MB, बट मुझे यहाँ पे MB नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, AM चाहिए था, इसलिए मैंने इसको क्या किया था, रिवर्स किया था। नाउ इज इट क्लियर, बहुत ही आसान सा था, ठीक है, रिवर्स करके 1 ऐड करके आसानी से 1 में से माइनस करके भी, हम जब दूसरे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे 1 माइनस, अगर हमें फुल वैल्यू दी हो तो 1 माइनस करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हमने प्लस करना था, AB लेके आना था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ DE पैरेलल टू AC, यहाँ पे इस फिगर में हमारे पास DE जो है वो पैरेलल टू AC है एंड DF पैरेलल टू AE। प्रूव दैट
बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास अगर मैं पहले ट्रायंगल ए बी सी लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई ए सी के पैरेलल है। तो बी पी टी से हमारे पास क्या बन जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी। सो सिंपल, इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, वन। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई यहां पे हमें डी एफ पैरेलल टू ए दिया हुआ है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, दिस इज ऑल्सो बाई बी पी टी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड इट्स ऑल्सो भी इक्वल। फ्रॉम वन एंड टू बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन फिगर इफ डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। भी ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब होगा, व्हेन पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तभी होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है, सॉल्यूशन चेक कीजिए, हमें क्या गिवन है। अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू ओ ले लेता हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ गिवन क्या दिया हुआ है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, दिस इंप्लाइज पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ किससे, बाय बी पी टी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर वी आर गिवन डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये भी हमारे पास बाय बी पी टी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन और टू में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें इक्वल दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है हमारे पास, ये हमने प्रूव कर दिया, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ई एफ, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था भाई। बहुत ही आसान सा था, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ट्रायंगल जो चैप्टर है कई बार मुश्किल लगता है बच्चों को, मैं ये कहता हूँ सबसे आसान है, इसमें सब कुछ आपके सामने ही होता है, ये प्रूव करना है, आखिर में आंसर आ ही जाता है। कई बार जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी होती है, बट चांसेस होते हैं पता नहीं मैच करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे तो 101% मैच करेगा, तो सबसे आसान है ये चैप्टर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।